भारतीय किसान यूनियन व देश की अन्य किसान यूनियनों ने ट्रैक्टर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि यह प्रदर्शन मंडी आढ़तियों, मुनीमों व पल्लेदारों ने भारत सरकार द्वारा जारी किए गए 3 अध्यादेशों के खिलाफ किया है। भारतीय किसान यूनियन व देश की अन्य किसान यूनियनों ने मंडी आढ़तियों, मुनीमों व पल्लेदारों ने आज भारत सरकार द्वारा जारी किए गए 3 अध्यादेशों के खिलाफ इंद्री में ट्रैक्टर प्रदर्शन किया है। किसानों व आढ़तियों ने इंद्री के SDM को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। इंद्री में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव इंद्र कुमार स्वामी की अध्यक्षता में रोष प्रदर्शन किया गया। सभी लोग पहले ही इंद्री की अनाज मंडी में एकत्रित हुए, वहां से विभिन्न बाजारों से होते हुए इंद्री तहसील में पहुंचे, जहां SDM सुमित सिहाग को ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में किसान मौजूद रहे और उन्होंने सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी की। जानकारी देते हुए इंद्र कुमार स्वामी ने कहा कि भारत सरकार ने 5 जून को जो 3 अध्यादेश जारी किए हैं वो किसान विरोधी हैं। सरकार ने इन अध्यादेशों को लागू करने से पहले किसान संगठनों से किसी प्रकार का कोई विचार विमर्श नहीं किया है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को खत्म करना चाहती है और पूंजीपतियों को बढ़ावा दे रही है। कोरोना महामारी का फायदा उठाते हुए सरकार ने ये 3 किसान विरोधी अध्यादेश लागू कराने का काम किया है। स्वामी ने कहा कि सरकार ने अब किसानों का अपनी फसल पूरे देश में कहीं भी बेचने की बात कही है। इससे मंडी के आढ़तियों के काम पर बहुत असर होगा। दूसरा, सरकार का कहना है कि अब किसान अपनी फसल का भंडारण कर सकता है। उन्होंने कहा कि छोटे किसानों के पास भंडारण की कोई व्यवस्था नहीं होती है, केवल बड़े पूंजीपति ही ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं। इस कानून से पूंजीपतियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। अडवाणी व अंबानी जैसे पूंजीपतियों को सरकार फायदा पहुंचाना चाहती है। ऐसे में बड़े व्यापारियों की लूट खसूट बढ़ेगी और किसानों को नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को फसल के मूल्य निर्धारित करे और उस मूल्य से कम में खरीद करने वाले के खिलाफ कार्यवाही करे। वहीं सरकार मंडीकरण को भी खत्म करने का काम कर रही है। मंडियों में जो 4% की उगाई फसलों पर दी जाती थी, उनमें से 2% गांवों के विकास के लिए रखा जाता था। मंडीकरण करने से गांवों का विकास रुक जाएगा। स्वामी ने कहा कि सरकार किसानों की मांगों को गंभीरता से ले और 3 अध्यादेशों को वापस ले, अन्यथा किसान कोई बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। किसान अब की बार तख्ता पलटने के लिए तैयार है। उनको जो 3 कृषि अध्यादेश जारी किए हैं, उन कृषि अध्यादेशों के अंदर किसान को हादसे पे लाने का काम किया है। जो इस देश के अंदर किसान बड़ी मेहनत से अपनी फसल को तैयार करता था, आज उस फसल को सरकार ने खुले में छोड़ दिया है और किसान को कहा कि आप उसको मंडियों में मत लेके आएं, व्यापारी जो है आपकी फसल को खुले में खरीदेगा। ई ट्रेडिंग की जो व्यवस्था की है वो व्यवस्था एकदम झूठी और बिना धरातल की है। आप जान समझ सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में किसान कितना पढ़ा लिखा है, क्या वो इस ई ट्रेंडिंग व्यवस्था को समझ सकेगा? क्या सरकार ने उसको समझाने के लिए कोई विभाग बनाया है या ऐसे कानून का प्रावधान किया है कि किसान को उसमें सुरक्षा सरकार ने जा दी है? इसमें टोटल जो सुरक्षा दी गई है वो व्यापारी को, बड़े व्यापारी को दी गई है। उस व्यापारी को ई ट्रेंडिंग के माध्यम से लैब टेस्टिंग, कानून व्यवस्था बनाने की, एग्रीमेंट करने की सारी व्यवस्था जो है व्यापारी के पास है, किसान के पास कोई व्यवस्था नहीं है। और साथ में जब कोई किसान को किसी व्यापारी से किसी भी लेन देन में कोई समस्या आती थी, वो न्यायालय तक जा सकता था। इस अध्यादेश के द्वारा अब किसान न्यायालयों का दरवाज़ा नहीं खटका सकेगा, अब वो SDM और DC कार्यालय तक ही सीमित रह जाएगा। और ऐसे में जिस समय अवधि की बात कही गई है, उस समय अवधि के अंदर किसान की फसल उसके खेत में खराब होने लग जाएगी, तो किसान मजबूरन अपनी फसल को औने पौने भाव बेचने के लिए मजबूर हो जाएगा। इसलिए ये किसान विरोधी अध्यादेश है। जो दूसरी बात हम MSP को लेकर बात कर रहे हैं, किसी भी अध्यादेश में जिसको राष्ट्रपति द्वारा इन्होंने पास करा लिया है केंद्र की सरकार ने, MSP को लेकर सरकार ने ये बात तय नहीं की कि प्राइवेट कंपनियां MSP के ऊपर उसकी परचेज करेंगी। यानी कि खुल्लम खुल्ला सरकार ने MSP को भी तोड़ने का काम कर दिया और व्यापारी मनचाहे भाव पर किसान की फसल को लूट सकता है। अगर सरकार से हम उम्मीद कर रहे हैं कि केंद्र सरकार MSP को लेकर एक अध्यादेश जारी करे, जैसे MRP एक खुदरा मूल्य एक अधिनियम है, वो एक कानून है कि खुदरा मूल्य से ऊपर कोई बेचेगा तो उसको दंडनीय अपराध होगा, इसी तरह सरकार को MSP के ऊपर भी
एक दंडनीय अपराध घोषित करना चाहिए। जो एमएसपी से नीचे परचेज करे किसान की फसल को, उसके ऊपर सरकार को दंड लगाना चाहिए। ऐसा कानून की हम उम्मीद कर रहे थे, पर सरकार ने ये तीनों अध्यादेश व्यापारी जगत को, बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों को फायदा देने के लिए किया है। इसके तहत जो मंडीकरण है वो भी हमें टूटता नजर आ रहा है। हरियाणा की सरकार ने एक नोटिस जारी कर दिया है कि विभागों के अंदर, खास करके मंडी विभाग को नोटिस दिया है कि अपने विभाग में अधिक स्टाफ को दूसरे विभागों में शिफ्ट करने का काम करें। यानी कि कुछ समय बाद हरियाणा प्रदेश के अंदर मंडीकरण भी टूट जाएगा। मंडीकरण से गाँव की व्यवस्था थी वो मजबूत होती थी। जो 4% जो व्यापारी से टैक्स लिया जाता था, उसमें 2% गाँव को मजबूत करने के लिए काम आता था। जैसे गांव में सड़कें बनती थी, खेतों तक जो सड़कें बनती थी, गांव को जोड़ने का जो काम किया जाता था उस फंड से किया जाता। अब मंडी विभाग जब टूट जाएगा तो गांव को, व्यवस्था को मजबूत करने का जो तरीका था वो टूट जाएगा। इसलिए हम इस अध्यादेश का विरोध करते हैं। और आज ये जो प्रदर्शन है पूरे भारत के अंदर किया गया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषिपाल अमाप्ता जी ने 22 राज्यों में हमारी संगठन काम कर रहा है। और आज का जो समय हमने रखा था सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक का, पूरे देश के अंदर मिलकर सभी संगठनों ने इसमें हमने काम किया है। भले गुनाम सिंह चूर्णी हों, राजू वाल जी हों, लखो वाल जी हों, और हरियाणा से गुनी प्रकाश जी हों, अपना विकल्प प्रचार जी हों, और रतन मान जी हों, तमाम तमाम किसान संगठनों ने, सेवा सिंह आर्य जी हों, तमाम संगठनों ने मिलकर हरियाणा के अंदर आज हमने किसान एक जुटता दिखाई है। और किसानों ने सरकार के इस कालादेश के विरोध में अपने ट्रैक्टरों पर जो है काले झंडे लगाकर, और मैंने काले कपड़े पहनकर सरकार का विरोध किया है, इस कानून का विरोध किया है। धन्यवाद। ज्ञापन दिया, क्या करना चाहेंगे? आज भारतीय किसान यूनियन की तरफ से किसान भाइयों ने हमें ज्ञापन सौंपा है, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम पे। ये जो 3 अध्यादेश जारी हुए हैं उनके खिलाफ जो है ये ज्ञापन सौंपा गया है, और साथ में ही एक MSP को लेकर के जो है इन्होंने इसमें एक एडिशनल पॉइंट ये भी डाला है। तो मैं आश्वासन देना चाहूँगा सभी को कि ये जो है उचित माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय राष्ट्रपति महोदय को ये इनके जो आवाज़ पहुँचाई जाएगी। धन्यवाद। ज्ञापन दिया, क्या करना चाहेंगे? आज भारतीय किसान यूनियन की तरफ से किसान भाइयों ने हमें ज्ञापन सौंपा है, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम पे। ये जो 3 अध्यादेश जारी हुए हैं उनके खिलाफ जो है ये ज्ञापन सौंपा गया है, और साथ में ही एक MSP को लेकर के जो है इन्होंने इसमें एक एडिशनल पॉइंट ये भी डाला है। तो मैं आश्वासन देना चाहूँगा सभी को कि ये जो है उचित माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय राष्ट्रपति महोदय को ये इनकी जो आवाज़ पहुँचाई जाएगी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.